सुंदर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री बहुत गुप्ता जी और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के अधिकारी और वो कई मान शक्ति के अमिताभ बच्चन जी और भी अनेक संतों के जो साथी यहाँ पर आए हुए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पदाधिकारी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान दिनकर सिंह गुजराल जी और बाबा साहब आंबेडकर शक्ति के जनरल सेक्रेटरी चंद्र शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रसार विभाग है सुरेश पाल जी, श्री राधाकृष्ण जी, श्री मनोज गुजराती जी हरियाणा से आए हुए, हरियाणा सरकार से आए जो सीनियर रिटायर्ड आई एस अफसर कर्नल एच एस राणा जी और पी के वर्मा जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर अब ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस के और प्रिंसिपल डायरेक्टर है, उन्होंने भी कृपा की है आने की, अपने लाला राणा जी, अपने मंच पर बैठे सभी महानुभाव और बड़े बच्चों और बुजुर्गों भाइयों बहनों और सब साथियों, हम सब इस कार्यक्रम का जो राष्ट्रीय बलिदान दिवस 2008 का और आप सबके आने पर सबका स्वागत करते हैं। संयोग से ही कल भारतीय सेना दिवस था और सब टीवी में क्या अखबारों में भी सब आप पढ़ो होगा, कल जो ऐतिहासिक दिन पर जो हमारे बहादुर जवानों ने वो जो मिसाल पेश की है, आज सारा देश उसको सलाम करता है, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ आप जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। वास्तव में हमारे जो भारतीय जवान उनके जो इतिहास रहा है वो बड़ा वीरता का इतिहास रहा है। 1972 में आपने देखा है कि सारे दुनिया के अंदर मिसाल पैदा की है कि 90,000 से ऊपर और पाकिस्तानी सैनिकों को कैद करके और उनको लेकर भारत में लेकर आए थे कि एक ऐसा मिसाल पैदा किया है, एक सारी दुनिया के अंदर इस तरह की बात नहीं मिलती। हम उन शहीदों को और उस जवानों को और उनको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और हम हमारे सबका जवानों को भी फर्ज है, हमारे सब देशवासियों का भी फर्ज है, हमारे सब भाइयों का भी फर्ज है, बहनों का भी फर्ज है, तो उन शहीदों के प्रति हम प्रणाम करें और उन शहीदों के परिवारों को और जो आज उसका अभिनंदन करने का एक अवार्ड देने का जो प्रारूप किया है, मैं समझता हूँ कि ये जो संस्था अपने बीन ट्विटर फाउंडेशन और ब्रेव हार्ट और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन सब ने जो मिलकर के आयोजित किया है, मैं उसका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम सारे देश के अंदर होने चाहिए ताकि सारे जवानों का और उत्साह बढ़े और वो हमारे अभी जो पीछे अपने वक्तों ने कहा है कि हम अगर शांति से रात को सोते हैं तो जो 20-25-30 डिग्री के ऊपर जो हमारे जवान पैदा दे रहे हैं और उनकी वजह से उनकी शत्रुओं से और जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये वो जो कुर्बानी जो उनका बलिदान है उनकी वजह से अब हमारा भारत जो है और उसका इतना बड़ा नाम बड़ा है। और मैं माननीय मोदी जी का भी और अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने जिस तरह से देशभक्ति का वातावरण सारे देश में पैदा किया है, ये पहली बार इस बार देशभक्ति का वातावरण पैदा हुआ है।
और इससे और ऐसे नौजवान लोगों और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम या दिल्ली के सारे देश के अंदर होने चाहिए और उस तरह के ऐसे तालीमों के अंदर ऐसे प्रोग्राम भी आने चाहिए कि जैसे हमारे क्रांतिकारी जो शहीदों का और उनका वर्णन हो और उससे सारे हमारे देश को उत्साह मिले। इस समय पर मैं ज़्यादातर कहता हुआ और मैं जो आयोजन करने वालों का धन्यवाद करता हूँ और उनसे प्रार्थना करूँगा इससे प्रोग्राम हर साल और आगे भी करते रहें और बाकी भी स्थानों पर करें। इससे हमारे देश को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, बड़ा उत्साह बढ़ेगा, बड़ी मोटिवेशन होगी। इन सबों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत स्वागत भी करता हूँ और भारत माता की जय।